Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. So we are in the part 2 of the analysis of a fixed beam. So aaj hum dekhenge what is the difference between fixed beam and simply supported beam. So fixed beam aur simply supported beam ke sabhi difference hum detail mein aaj dekhenge. To ye ho gaya figure fixed beam ka jahan pe dono end fixed support hai aur ye ho gaya simply supported beam ka figure jahan pe dono end simple supports hai. Aur फिक्स बीम का रिएक्शन है रिएक्शन एट ए रिएक्शन एट बी मोमेंट एट पॉइंट ए मोमेंट एट पॉइंट ई और बी और यहां पे हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है रिएक्शन इफ रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल अगर लोडिंग है तो रिएक्शन भी आ सकता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पर सिंपली सपोर्टेड बीम में सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएंगे आर ए एन आर बी. तो यहां पर हमें जो चीज याद रखनी है वो है कि ये रिएक्शंस और मोमेंट्स जो है वो है रिएक्टिंग मोमेंट्स एंड रिएक्शंस, यानी कि उसको ओपोज लोडिंग कंडीशन को ओपोज करते हैं वो रिएक्शंस और मोमेंट है. तो ये सिंपल बीम और बीम्स के फिगर है. द लाइट ब्लू मार्कर शोज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम. ये फिक्स बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा और ये सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरह से. तो अभी हम सभी डिफरेंस डिटेल में देखेंगे. इट इज इनडिटर्मिनेट. सो फिक्स बीम इनडिटर्मिनेट है, हमने पहले देखा था. इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो आप रिफर कर सकते हैं. और सिंपली सपोर्टेड बीम डिटर्मिनेट है. क्यों? वो एसआई कैलकुलेट करके हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है. और ये चैप्टर है फिक्स बीम तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए. द थर्ड डिफरेंस इज एट सपोर्ट्स स्लोप्स आर जीरो. तो यहां सपोर्ट्स पे आप देख सकते हैं कोई एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है या फिर थीटा इज इक्वल टू स्लोप. तो यहां कोई थीटा नहीं बन रहा है तो स्लोप हमारा जीरो है. देयर इज नो रिफ्लेक्शन एट पॉइंट ऑफ सपोर्ट्स. एट सपोर्ट स्लोप्स थीटा एंड थीटा बी आर प्रोड्यूस्ड. तो आप देख सकते हैं यहां पे कैसे थीटा ए और थीटा बी स्लोप्स प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू सिंपली सपोर्ट. फिर आएगा एट सपोर्ट्स मोमेंट्स आर डेवलप्ड एम ए एंड एम बी. तो ये सपोर्ट्स पे एम ए और एम बी रिएक्टिंग मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रही है. ये मोमेंट्स रिएक्ट कर रही है लोडिंग्स के अगेंस्ट. देन एट सपोर्ट्स मोमेंट्स आर जीरो. यहां पे कोई मोमेंट सपोर्ट्स पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट है. इट कैन नॉट टेक मोमेंट. ये मोमेंट नहीं ले सकता, इसीलिए कोई मोमेंट यहां पे रिएक्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है. एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू जीरो. पर यहां पे कुछ फॉर्म हो रही है एम ए इज इक्वल टू एम बी. ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एम ए विल बी इक्वल टू एम ई एम बी. देन आफ्टर डिफ्लेक्शन एट मिडल इज लेस एंड रिफ्लेक्शन एट मिडल इज मोर. तो जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो ड्यू टू दिस रिएक्टिंग मोमेंट, ये रिएक्टिंग मोमेंट की वजह से इसमें सेंट्रल जो डिफ्लेक्शन है ये वाला डिफ्लेक्शन ये इसके कंपेयर में कम रहेगा क्योंकि यहां पे कोई रिएक्टिंग मोमेंट नहीं है, ओपोज नहीं करेगा कोई मोमेंट, तो इसलिए इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है और इसका डिफ्लेक्शन कम है. सो ईच एंड एवरी टाइम फिक्स बीम विल हैव लेस डिफ्लेक्शन कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम. Then the next point is comparatively bending moment at the center is less and comparatively bending moment at the center will be more. तो अगर हम इस बीम के सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें दोनों पे, तो यहां पे जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो है लेस, यानी कि इसमें कम बेंडिंग मोमेंट है. तो इट इज बेनिफिशियल फिक्स बीम में का ये एडवांटेज भी हम बोल सकते हैं. सेंटर में कम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है और इसमें सेंटर में ज्यादा बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसमें हमें ज्यादा स्टील देना पड़ेगा सेंटर में. और इसमें हम सेंटर में कम स्टील दे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें पहले से डिफ्लेक्शन कम है. देन आफ्टर लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ बीम इज स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स बीम इज मोर एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज लेस. तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दोनों बीम में से ये वाला बीम स्ट्रांग कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहां पे एंड्स जो है फिक्स है,
और कंपेरेटिवली ये बीम की स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहती है, तो इसमें हम कुछ ज्यादा लोड कंपेरेटिवली दे सकते हैं। तो ये हो गए पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम। इन माय नेक्स्ट लेक्चर विल अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम के एडवांटेजेस क्या है वो हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर है इनडिटर्मिनेट बीम से रिलेटेड और पर्टिकुलरली फिक्स्ड बीम। So thank you for watching and do wait for my next video.